bringing you a big breaking news. This on top of this bulletin, a sensational charge has been leveled by Jaya Prada against her rival Azam Khan in Rampur. Jaya Prada has said that in 2009, Azam Khan had circulated her objectionable and indecent pictures. In fact, she also goes on to say that she went and complained to Mulayam Singh Yadav, but he took no action against that complaint. She also said that Azam insulted me to the core. He called me nachne wali in front of public. Azam Khan insulted my integrity. This is what Jaya Prada is saying. Let's listen into what Jaya Prada has said and leveling those sensational allegations against Azam Khan. लेकिन आपने मुझे हरदम बहन के नाम से आपने बद्दुआ दिया है, आपने मुझे इतना जलील कर दिया है, मुझे इतना अपमान किया है। आप सब हमारे महिलाएं, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अपने घर में भी भाई बहन सब कुछ होते हैं, क्या हमारे भाई कभी इस नजर से देखते हैं कि मैं नाचने वाली हूँ, मैं पजेब हूँ? इस तरह के अभद्र शब्द करते हुए मुझे एक औरत को जलील किया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए मैं रामपुर छोड़ के जाना चाहती थी। मेरे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बचाने के लिए कोशिश नहीं। मैंने आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी मैंने बताया कि मेरे अश्लील तस्वीरें रामपुर में घुमा रहे हैं, मुझे बचाइए, मेरे रक्षा कीजिए, लेकिन रामपुर में ऐसे कोई नेता मुझे बचाने के लिए कोशिश नहीं किए, तो मैं यहाँ से छोड़ के रामपुर मजबूर से जाना हुआ, मुझे निकाला गया, इसलिए मैं गई। मैं वो जयप्रदा नहीं हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं, मैं वो जयप्रदा नहीं हूँ जो मैं धर्म के नाम पर मैं आप लोगों का अलग अलग मैं सोच रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे कि वो जयप्रदा अलग है, ये जयप्रदा अलग है।